गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखिए नोनो आज लेट हो चुका है, बहुत आप जल्दी लेकर आए तो लेट जल्दी जल्दी में भी तैयार हो रहा है। हेलो कर दो बेटा। हेलो हाय, लेट हो गए क्या? टाइम हुआ भी हो गए 45 हुआ, भी लेट नहीं हुआ, मैं छोड़ दूंगा आपको। और ये देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग, आज है नोनो का बर्गर टाइम, तो आज मैंने बर्गर बनाया इसके लिए। और सुबह सुबह बनाई मैंने पकौड़े वाली कड़ी बनाई। ये देखिए यहाँ पे बनी है पकौड़े वाली कड़ी और यहाँ पे बनी चपाती। आज स्पेशल था नोनो का, इसलिए नोनो को कड़ी भी पसंद है, पकौड़े वाली वो भी बनाई, और साथ में बर्गर टाइम। आज इसको बर्गर मिलेगा क्योंकि बेचारा आजकल बहुत पढ़ाई करता है ना। बर्गर डाल दिया बेटा अंदर। हाँ जी, शाम को पहुँचता है ना 4:30 बजे, तो आज नोनो के लिए दो लंच बॉक्स डाल दिए हैं। एक में डाला है कड़ी और चपाती और दूसरे में डाला है बर्गर, तो नोनो के तो लग गए मजे। चले अपनी और लेट है मेरे साथ, थोड़ा घुस कर रहा है ना। चलो जाओ अपनी और लेट है। हेलमेट कहाँ रखा मेरा? ए हैंड लेके आया ना उसको। चलो दोस्तों, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी हो गया लेट, फिर साफ करने के लिए जाती है, छोड़ते हैं पहले। भिंडी भी थी राजू मैडम, इतनी सारी चाबी ले ली अभी का है। चलो 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 जाओ, ये वहां से मिट्टी किसने निकाली, ये कूड़े से, जल्दी आओ। 45 हो ना, अभी बहुत टाइम हट जा, अब टाइम वेस्ट मत कर। चलो तेरे स्टार्ट तो होता नहीं है, चलाएगा कहां से तू? देखो जल्दी उठो, उठा करो ना, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। करेंगे मैं उठा करूँ स्टार्ट। अभी ने मैंने किया? हाँ बस मैंने किया। कल से मारी थी इसने पागलों वाली थी। आराम से जाना, जल्दी मत जाना, ठीक है? आराम से जाना, आगे जैसे हो, बैग बड़ा हार्ड हैवी होता है तेरा। आराम से आगे से हो। बाय बेटा, आराम से जाना। बाय ननू। थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो इस टाइम पे ही चला जाता था। मैं बाकी ये काम कर लेती हूँ, बहुत सारी भिंडी है मुझे धोने के लिए यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। तो आज अंदर पानी नहीं आया हुआ, तो बर्तन भी मैं आज बाहर ही धोऊंगी। और यहाँ बना रही हूँ मैं चपाती वगैरह, तो ये मैंने साइड पे करती थी, और बाकी चीज़ें मेरी मोस्टली तैयार हो गई है। अभी मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट। साथ में इसको भी प्रेस कर देती हूँ, और साथ में इंजॉय कर रही हूँ अनुपमा। बड़ा खतरनाक चल रहा है आजकल अनुपमा में भी। नो हंसता है मम्मा, हो गया आपका शुरू। तो फ्रेंड्स, मुझे ध्यान नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, कहीं ऐसे नहीं आपके साथ गप्पे मारते मारते और यूनिफॉर्म जल गई, क्योंकि वैसे ही हुआ, मैं आपके साथ गप्पे मार रही थी और मेरी चपाती वहाँ पे जल गई थी। सोम जी गए हुए हैं कुछ अपना कुरियर लेने के लिए, तो अब मैं वेट कर रही हूँ क्या मंगवाया उन्होंने, देखते हैं क्या लेकर के आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अभी इंजॉय कर रही थी सिस्टरहुड, एक सीरियल है काफ़ी अच्छा है, तो उसको देख रही हूँ। अब आ ही नहीं रहे अभी पत्नी, काफ़ी टाइम हो गया, तो देखती हूँ मैं कि क्या कर रहे हैं वो। ये पहुँच गए, वो लेके आए हैं अपना कुछ, पता नहीं क्या। अब साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पता क्या है इसमें, इसके अंदर है बोया का माइक, अमेजोन से मंगाया था ये देखो, ये वाला माइक है VY M1, ये इसका नाम माइक का। और इसकी क्वालिटी मैंने देखा है इस पर रिव्यू यूट्यूब में, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी देखते हैं कैसा होगा अंदर से, क्या क्या इसमें हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग रिव्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि अगर नहीं चला तो कैसा रहेगा, फिर तो तगड़ा स्कैम हो जाएगा, है ना? रिप्लेस हो जाता है। जोर से बोलो दोस्तों, अभी हमें जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मैंने रिव्यू देखा था बहुत अच्छा है। इसके अंदर जैसे हम लोग बाहर शूट करते हैं, कई बार ब्लॉग बनाते हैं बाहर, तो बहुत नॉइस आती है, तो इसमें मैंने देखा था बहुत अच्छी नॉइस कैंसलेशन है। पर ये हमारे GoPro को सपोर्ट नहीं करेगा, इसको यूज करने के लिए हमें कुछ और ही तड़का करना पड़ेगा, या मोबाइल से ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, है ना फ्रेंड्स। ये हमारी मेन चीज़ जो माइक है, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी पैकिंग है। मेरे को तो पर मेरे को लग रहा है खुला था ये पैकेट थोड़ा सा, कहीं इन्होंने तो नहीं कुरियर वालों ने कर दिए इसकी ओपनिंग पहले। तो ये है बोया का माइक, ये चीज़ें हमें मिलती हैं इसके अंदर से।
पर इसमें कुछ उलझ गई हैं इसकी वायरें पहले ही। लगता है इसका पोस्टमार्टम हो चुका है अमेज़ॉन के द्वारा, जो हमारे मंडी के डिस्ट्रीब्यूटर शायद उन्होंने किया होगा सर, लग रहा है मेरे को। तो दोस्तों अभी हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए, मैंने इसको लगा रही है अपने कॉलर पे, और इसका चेक करने के लिए हमने पीछे टीवी भी देख सकते हैं आप मेरे पीछे, हमने कर दिया टीवी भी ऑन ताकि इसको चेक करेंगे कि इसमें जब टीवी पीछे से चलेगा कोई साउंड आता है तो किस तरह का मेरा वॉइस आपको आएगा। अभी भी दोस्तों मैं जा रहा हूँ पीछे, यहाँ पर हमारा कूलर तो ये भी हमेशा चला ही रहता था, तो उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसको भी ऑन कर दिया। ये देख सकते हैं आप कूलर ऑन है, इस साइड टीवी ऑन है, तो अभी साउंड मेरे को नहीं पता कैसी आ रही है, रिकॉर्डिंग हो भी रही है इस माइक से या नहीं, लेकिन फिर भी हम बाद में जब इसको एडिट करेंगे तो आपको तो शायद पता चल ही रहा होगा किस तरह का वॉइस है, क्यों भाई। तो फ्रेंड्स आप बताना कमेंट में आपको इसकी वॉइस कैसी लगी, मतलब क्लियर आ रही है नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वक्त मैं यहाँ पर स्पेशल चीज़ आपको दिखा रही हूँ, स्पेशल तो नहीं बोल सकते, हम लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे आप कुछ लगा हुआ ना मेरे पास में। तो इस वक्त हम टेस्ट कर रहे हैं ये माइक का, ये माइक लिया हुआ है आज हमने ताकि वॉइस जो है आवाज़ बिल्कुल क्लियर आपको मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साउंड आप तक क्लियर नहीं पहुंचती है तो मज़ा नहीं आता उस ब्लॉग के अंदर। तो इसीलिए हमने ये लिया आज, ये ख़रीदा है, आज पहुंची इसकी डिलीवरी। और जैसे भीड़ वाली जगह में जाते थे तो आसपास की जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा आती थी और हमारी इतनी क्लियर आप तक नहीं पहुँच पाती थी जो हम आपको बताना चाहते थे। तो आज टेस्ट कर रहे हैं हम इसको। तो अभी तक तो मैं काफ़ी सारा काम करके फ्री हो गई हूँ, बाहर भी मैंने साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर दी है। कुछ देर के बाद आएंगे बच्चे, अभी तो क्योंकि एक बजने वाला है, तो अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा सा कुछ और भी जा कर के किचन में बनाऊँगी, स्पेशल कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। तो अगर टाइम लगेगा तो उसको मैं ज़रूर कैप्चर करके आपको बताऊँगी। तो आज मैं सिर्फ चेक कर रही थी माइक के अंदर ये, तो कैसा लगा आपको ये साउंड ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, थैंक यू। तो दोस्तों अभी 9 आ गया स्कूल से वापस घर, और अभी उसको एक सरप्राइज देना है, तो उसको मालूम था, मैंने उसको बताया था कि मेरा आज डिलीवर हो जाएगा माइक, तो उसको भी देते हैं सरप्राइज। ये देखिए नोनो आ गया ऊपर, नोनो आ गया आज, क्या वही सरप्राइज सच में? हाँ माइक सच में आया। हाँ उसकी डेट तो लेट थी, डेट लेट नहीं थी आज की थी, पर आज था नहीं चांस आने का ना। और देखिए ये है उसकी पैकिंग जो हमने देखी थी उसमें वीडियो में ना, और वायर भी कितनी अच्छी है, हमने रिकॉर्ड की थी ना सुबह मॉर्निंग में, बड़ी भयंकर आवाज़ आ रही है, जबरदस्त। अच्छा मैं कर लूँ टेस्ट, तो तू भी कर ले टेस्ट अपने इस पर लगाएगा मोबाइल में, ऑन हो जाता है अपने आप। हाँ बस और लगाया ना और स्टार्ट हो जाएगी अपने मोबाइल में, क्या ब्लॉग में ही करते हैं टेस्ट कर लो। हेलो 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 गाइस, हम घर के पीछे आए हैं टेस्टिंग के लिए माइक की, तो मैं देखता हूँ ये तार कितने दूर तक जाती है, तो यहाँ पर खिड़कियाँ भी है, थोड़ी संभल के जाना होगा, और पिछली साइड को स्लिपरी है, और मेगा कुछ यहाँ पे प्लांट भी उगा हुआ है, तो अभी तक तो मैं यहीं पे पहुँचा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी घास फूस भी है, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा मेरे को। हेलो आ रही है मेरी फ़ोटो आ रही है, पता नहीं गाइस पापा को सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, मैं तो माइक में बढ़िया बोल रहा हूँ। गाइस मैं 20 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ हूँ कैमरे से, तो आपको सुनाई दे रही होगी ढंग से आवाज़, तो अब बाद में पता चलेगा कैसी है आवाज़। तो गाइस जब मैं वापस आता हूँ पहली साइड को, यहाँ थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा वायर उलझ ना जाए मैं पौधों में। तो ये है हमारे घर की बैक वाली साइड, तो अब चलते हैं बाकी जगह का टेस्टिंग करने। मैं अभी इस साइड को आया हूँ माइक की आवाज़ देखने के लिए, तो अभी तक तो मैं अमरूद के पेड़ तक पहुँचा हूँ, गुलाब के पौधे तक, पापा पिलर के पास खड़े हुए हैं, तो ठीक आ गई है दूर तक, स्कूटी भी क्रॉस होगी, मतलब ज़्यादा एरिया हो गया है, ज़्यादा हो गया है, बस ये लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं है वायर। तो गाइस मैं वापस आ जाता हूँ दूसरी साइड को। Sha la 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 la, pingo lady pingo, where are you? Here I am, how do you do? Sir, आप लोग आज मैं आप लोगों को ये कैसी बात आ रही है? मेरी ट्यूशन हो गई थकत खत्म,
मैं अंकल जी के पास आया हूँ गप्पे मारने के लिए। मैं पापा के वेट कर रहा हूँ, मुझे पापा लेने आएंगे फिर मैं घर जाऊँगा। हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।